नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ जिले के सूरजपुर जिला कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कलेक्टर साहब गुस्से में युवक का मोबाइल पटक कर तोड़ते हैं और इसके बाद उसको थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। युवक की गलती इतनी है कि वह लॉकडाउन में बाहर निकल गया था और रास्ते में मिले कलेक्टर साहब से मदद मांग ली थी। यह घटना सूरजपुर स्थित भैयाथान चौक का। इस जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शनिवार 22 मई को खुद कलेक्टर रणवीर शर्मा सड़क पर उतरे। वे आम लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद इंसानियत का पाठ भूल गए और दादागिरी पर उतारू हो गए। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से उठक बैठक लगवाई। इसी बीच एक लड़का जो अपने पिता के लिए दवाई लेने गया था, उसने दवाई की पर्ची भी दिखाई, लेकिन कलेक्टर को पता नहीं क्या सोचा उन्होंने युवक का मोबाइल सड़क पर पटक दिया और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों से उसकी पिटाई भी करवाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद से कलेक्टर रणवीर शर्मा बैकफुट पर आ गए। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए इस पूरे मामले में सफाई देते हुए माफी भी मांगी। मास्क लगाए लड़के पर लाठी मारना और 13 वर्ष का बच्चा जो मेडिकल से दवाई ले रहा हो उसे डंडे से मारना ही शक्ति नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। कलेक्टर ने कहा कि वो युवक कह रहा था कि वो वैक्सीन लगवाने जा रहा है, लेकिन उसके पास सही कागज नहीं थे। कलेक्टर का कहना है कि युवक के गलत बर्ताव की वजह से मैंने उस वक्त उसे थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कलेक्टर के इस कार्य की आईएएस एसोसिएशन ने भी आलोचना की। अपने एक ट्वीट में आईएएस एसोसिएशन ने लिखा, कलेक्टर सूरजपुर छत्तीसगढ़ के व्यवहार की कड़ी निंदा की जाती है। यह अस्वीकार है और सेवा सभ्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिविल सेवकों को सहानुभूति रखनी चाहिए और इस कठिन दौर में हर समय समाज के प्रति उपचारात्मक रवैया होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।